सब्सक्राइब कीजिए हेल्पिंग तपन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयू के 3 वैकेंसी पड़ा है, मैं आज को पूरा बताऊंगा। उससे 3 से 2 सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए है और एक अप्रेंटिस जो होता है ट्रेनिंग के लिए है, उसको पूरा मैं डिस्क्राइब करूंगा और अंत तक देखिए क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा अगर आधा से स्किप कर रहे हो तो। दोस्तों हाय, दोस्तों मैं तपन और आप देख रहे हो हेल्पिंग तपन। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे रिक्रूटमेंट के बारे में हर बार मैं आपको नोटिफिकेशन करता रहूँगा। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि RITES लिमिटेड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है, मतलब PSU है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा मल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है और मिनी रत्न में जाता है कि PSU का जो नवरत्न मिनी रत्न ये सब कैटेगरीज है, ये यहाँ पे देख सकते हो मिनी रत्न सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल PSU सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिटी, ये जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंदर में जाता है। ये दोस्तों कंसल्टेंसी कंपनी है, ये बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे देख सकते हो आप ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये कुछ काम करता है। दोस्तों इसमें काफ़ी सारा वैकेंसी है, DCM सिविल का है, मैनेजर सिविल का है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में जाता है। तो ये सिविल का रिक्रूटमेंट हुआ है और DCM इलेक्ट्रिकल का है, मैनेजर इलेक्ट्रिकल का है और DCM SNT मैनेजर SNT में वैकेंसी पड़ा है। दोस्तों इसके पूरा क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, फुल टाइम फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री, मतलब आप डिग्री किया बीटेक जो बोलते हैं बीटेक या बी जो है डिग्री हासिल करते हैं वो अगर आपको की कंप्लीट किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। डेप्यूटी जनरल मैनेजर जो सिविल का है उसका बेसिक पे आएगा 29,100 से 54,500 रुपीस तक अंदर में बेसिक पे आएगा, उसके बाद DA TA HRA वो दो सब आएगा। दोस्तों मैनेजर जो सिविल में होता है वो भी वही थोड़ा ही ज़्यादा रहता है, थोड़ा कम रहता है, 24,900 से 50,500 तक इसका बेसिक रहेगा। इसमें दोस्तों थोड़ा एक्सपीरियंस मांगा है, टोटल एक्सपीरियंस 9 ईयर मांगा है, रिलेटिव एक्सपीरियंस 3 ईयर मांगा है। यहाँ पे एक्सपीरियंस हो तो इसको अप्लाई कर सकते हो। और डेप्यूटी मैनेजर जो है इलेक्ट्रिकल का, यहाँ पे भी 29,100 से 54,500 तक इसका बेसिक रहेगा, उसके बाद DA TA वो काफ़ी सारा है जोड़ा जाएगा। ये दोस्तों इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एडवर्टाइजमेंट जाके देख सकते हो और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। दोस्तों एक्सपीरियंस का कुछ टर्म एंड कंडीशन है, यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिए क्योंकि पूरा डिस्क्राइब करना ये थोड़ा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद मैं और एक बताऊंगा, इसके पूरा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे देख सकते हो, हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे जो साइट दिया हो यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद उसका होम पेज खोल जाएगा। दोस्तों होम पेज खोलने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्मेट आएगा ये सब आपको सबमिट करना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अबव डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ऊपर में कुछ डॉक्यूमेंट दिया हुआ है जो आपको एप्लीकेबल है उसको साथ, यहाँ पे ये एड्रेस जो दिया हुआ है हरियाणा, ये एड्रेस को आपको ऑफलाइन में सेंड करना पड़ेगा। दोस्तों इसके बारे में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कॉल करा दीजिए, सॉरी मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे अगर स्टार्टिंग डेट यहाँ पे देख सकते हो, स्टार्टिंग डेट 20 सितंबर से शुरू हुआ है, 13 अक्टूबर तक एंडिंग डेट है। इसका जो हार्ड कॉपी है 10 दिन दिया है, ऑफलाइन को सेंड करना पड़ेगा आपको जो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देख सकते हो ये ऑफलाइन में सेंड करना पड़ेगा, फिर डेट ऑफ सिलेक्शन आपको नोटिफाई करा जाएगा उसका साइड में। यहाँ पे देख सकते हो इसका जो होम पेज है, यहाँ पे साइड खोल गया है,
इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे करियर में जाके वैकेंसी में, यहाँ पे वैकेंसी है, एक ऑप्शन है, वहाँ पे जाने के बाद आपकी पूरा पेज एक खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, फिर अप्लाई करने के लिए पूरा इसका प्रोसीड्योर दिखा देगा। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। वही ऑप्शन में करियर में जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करिए तो आपको वैकेंसी नंबर आ जाएगा, जो एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो लिखा हुआ है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी है, सिविल मैनेजर, यहाँ पे जो बताया मैंने, ये सब आपको क्लिक करके फिर पोस्ट एप्लीकेबल, ये सब एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट पूरा डिटेल्स है, उसको पढ़ के फिर अप्लाई करिए। यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर्स नेम, ये सब डालने के बाद सबमिट करिए, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा दोस्तों। फिर मैं नेक्स्ट दूसरा जॉब के बारे में मैं बताता हूँ दोस्तों। दूसरे जॉब के बारे में बताऊँ तो ये वेल का है, VEL जो है बेल, वो भी PSU होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। यहाँ पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का होता है, BEL, एक तो BHEL बेल है, तो ये है भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। यहाँ पे वैकेंसी पड़ा है डिप्लोमा लेवल का है, असिस्टेंट इंजीनियर है, वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है, डिप्लोमा इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इसका बेसिक पे रहेगा आपकी देख सकते हो 12,600 से 32,500 तक। यहाँ पे लोकेशन ऑफ पोस्टिंग दे रहा है जम्मू और गुवाहाटी में, लोकेशन ऑफ पोस्टिंग दे रहा है। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है, मिनिमम 15 ईयर ऑफ द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन इंडियन डिफेंस, मतलब ये डिफेंस के लिए ही होगा। तो अपर लिमिट 50 ईयर, मतलब ये एक्स सर्विस मैन के लिए ही है। मेथड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट करेगा, और हाउ टू अप्लाई यहाँ पे देख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोड फ्रॉम, इसका लिंक जो दिया हुआ है उसके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैनेजर और बेंगलोर को भेजना पड़ेगा। ये जो मैनेजर HR है MS, ये जो लिखा हाईलाइट किया है उसको आप वही एड्रेस में आप भेज दीजिए, उसके साथ ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है जो भेजना पड़ेगा, ये दोस्तों देख सकते हो। तीसरे के बारे में बात करूं तो वो एक ट्रेड अप्रेंटिस है, वो आपको मैं दिखा देता हूं दोस्तों। इसमें ITI के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, ITI का ट्रेड अप्रेंटिस वो निकला है दोस्तों। इसका जो फिटर का है 74, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सब काफ़ी सारा वैकेंसी पड़ा है दोस्तों। और इसके लिए अप्रेंटिस का जो है 7,460, ये एक स्टाइपेंड के तरीके में देते हैं, स्टाइपेंड में है, और ये ओनली फॉर तमिल है, ये दोस्तों तमिलनाडु में निकला है। और इसको मैं फिर भी, अगर कोई मेरा व्यूअर अगर तमिलनाडु से है तो इसको अप्लाई कर सकते। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट शुरू हो रहा है 28/9/2017 से, यहाँ पे 7/10 तक शुरू हो रहा है। यहाँ पे साइट दिया हुआ है, वो साइट को क्लिक करो तो आप पहुँच जाओगी उसका जो एप्लीकेशन डालने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे गाइडलाइन दिया हुआ है क्या क्या चाहिए, ये देख सकते हो, और उसको पूरा अप्लाई करने के लिए पूरा प्रोसीड्योर भी एडवर्टाइजमेंट में है, आप देख सकते हो दोस्तों। और ये जो लिंक दिया है इसके क्लिक करो तो उसका आ जाएगा आपकी जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो NLC इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे मस्त है। अप्रेंटिस तो जरूरी है, और आपको बढ़ने के लिए आगे अप्रेंटिस ट्रेनिंग मस्त है, वो एक बार कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक दबाइए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कमेंट करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय।